स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव चक्रवर्ती, आई हैव डन MSc MPhil फॉरेंसिक साइंस एंड BEd एंड रनिंग माई इंस्टीट्यूट इन सेक्टर 15 एंड सेक्टर 40 चंडीगढ़ फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स. वट इज़ माई प्लान ऑफ टीचिंग यू इन फुल ईयर? लुक, सबसे पहले बच्चे, हम कोई भी टॉपिक जो आपको टीच करेंगे उस टॉपिक को बहुत ही बेसिक से कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है? जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक उस टॉपिक में पहुंच गए तो कोई भी आप क्वेश्चन, कोई भी पार्ट सॉल्व कर पाएंगे इजीली. देखिए, किसी भी टॉपिक को बेसिक से कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाने के लिए हमने लेक्चर वाइज नोट्स डेवलप किए, बनाए, ताकि आपको चैप्टर वाइज की जगह लेक्चर वाइज सिस्टम में समझ आए और साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव और NCERT क्वेश्चन कर पाए. लुक, इन एनी इंस्टीट्यूट यू आर गिवन चैप्टर वाइज नोट्स विद ऑब्जेक्टिव्स. I am giving you lecture wise notes. Whatever the lecture I will deliver, I will give you lecture wise notes of that topic. What is the benefit of lecture wise notes? Lecture wise notes में आपको बच्चे, जब हम lecture wise notes देंगे, जो भी हमने पढ़ाया होगा, एक particular deliver किया होगा एक particular lecture में, वो आपको लेक्चर वाइज नोट्स की फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे. प्लस हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स विद आंसर्स एंड NCERT क्वेश्चंस अगेन विद आंसर्स प्रोवाइड करेंगे हम. और इस तरह से आपकी डेवलपमेंट होगी. कैसे? देखिए, कोई भी लेक्चर आपने पढ़ा मुझसे और लेक्चर के आपको उसी लेक्चर के उसी टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, उसी टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे विद आंसर्स एंड उसी टॉपिक पे NCERT क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर्स. बेनिफिट बहुत है बच्चे इस तरह, क्योंकि अगर आप लेक्चर वाइज जाएंगे, मान लीजिए एक टॉपिक और एक चैप्टर में 5 to 6 लेक्चर्स हैं, तो हमने 5 to 6 लेक्चर्स को डिवाइड अप कर दिया. डिवाइड अप करने के बाद आपको इस फॉर्मेशन में देंगे, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप साथ साथ ही नोट्स भी पढ़ते रहें, ऑब्जेक्टिव्स भी करते रहें और NCERT क्वेश्चंस भी करते रहें और साइड बाय साइड अपने डाउट्स, डिफिकल्टीज हमसे सॉल्व करवाते रहें, ताकि आप लेक्चर वाइज आगे बढ़ें, ना कि चैप्टर वाइज. तो अब डिफरेंस यहाँ पे ही आप समझ गए होंगे कि चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज में क्या डिफरेंस. आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, हम बच्चे आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके प्रॉपर फॉर्मेशन में आएंगे, जो कि आपको परफॉर्म करने टेस्ट. इन केस आप समहाउ एनी थिंग विल हैपन, आपका टेस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं होता, तो कोई भी स्टूडेंट हमसे आके अलग से कोई भी टॉपिक दोबारा से समझ सकता है. दोबारा से भी हम वो टॉपिक को आपको समझाने के लिए रेडी रहते हैं. आपको बस करना क्या है, लेक्चर वाइज प्रॉपरली प्रिपेयर करना है. कोई टॉपिक अगर नहीं आ रहा तो हमसे अलग से आके आप डिफ़िकल्ट टॉपिक दोबारा भी कर सकते हैं. तो लुक, होल जर्नी जो आपको हम पढ़ाएंगे, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट, आपकी एक्यूरेसी डेवलप हो. ध्यान रहे, हम एक्यूरेसी डेवलप करेंगे बहुत अच्छे से. सेकंड, स्पीड डेवलप हो.
अगर कोई भी कंपटीशन लेवल में एक्यूरेसी एंड स्पीड दो चीज़ें आपके पास होंगी तो कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जो आप क्रैक ना कर सकें। तो होल जर्नी में हम क्या कर रहे हैं, होल पूरा एयर हम क्या करेंगे, आपको दो ही चीज़ें बहुत अच्छे से मास्टर करना सिखाएंगे, फर्स्ट इज एक्यूरेसी, सेकंड इज स्पीड। तो अगर आप हमारे साथ प्रॉपर वे में हर चीज़ करते जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत परफेक्ट हो जाएंगी और अप टू कॉम्पिटिशन लेवल आप एक परफेक्टली परफॉर्म करने के लायक हो पाएंगे। नेक्स्ट हम बच्चे स्टार्ट करेंगे आज न्यू टॉपिक, जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले देखिए हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको आज न्यू सेशन शुरू करवाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या। कोई भी आप इतना कुछ पढ़ लें केमिस्ट्री के बारे में, कोई अननोन पर्सन आपको आके ये पूछ ले कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो आप क्या जवाब देंगे। अगर आपको केमिस्ट्री को कुछ लाइंस में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे उसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो एज अ डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच मैटर अंडरगोज एंड लॉज विच गवर्न दोज चेंजेस इज नोन एज केमिस्ट्री। तो मैंने बताया क्या, साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है तीन चीज़ों से, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। क्या बोला, कॉम्पोजिशन कैसे चीज़ें बनी हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर हैं, एंड प्रॉपर्टीज क्या उनकी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं। ऑफ मैटर एनीथिंग अराउंड अस इज नॉन एज मैटर, यू ऑल नो ऑफ मैटर एंड चेंजेस विच मैटर अंडरगोज, हमारे नियर बाय क्या चेंजेस हो रही हैं, एंड लॉज विच गवर्न दोज चेंजेस, कौन से लॉज हैं जो हमारे आसपास चेंजेस हो रही हैं उन्हें गवर्न करते हैं, तो उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल द साइंसेज, बड़े ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट, सिलेबस पॉइंट के अलावा वैसे भी नॉर्मली भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को स्टडी करें तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। तो देखिए केमिस्ट्री को फर्दर आगे जानते हैं, हमने केमिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड अप किया है। किस किस में, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे थ्री पार्ट्स में पढ़ेंगे, थ्री सीक्वेंसेस में पढ़ेंगे। कैसे, फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज बोलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो थ्री पार्ट्स में हमारा डिवाइड अप हो गए हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब इन पार्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारे को इंडिविजुअली क्या बताती हैं, हर पार्ट इंडिविजुअली क्या बताता है, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। आपने मे बी आज तक 10th तक आप केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, मे बी इसके बारे में इतना ना जाना हो, तो अभी शुरुआत में ही मतलब केमिस्ट्री शुरू करने से पहले ही आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री हमें क्या बताती है, बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री हमारे को
थ्योरेटिकल मीनिंग बताती है। क्या बताएगी? थ्योरेटिकल मीनिंग। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमारे को प्रैक्टिकल मीनिंग बताते हैं। कैसे? यहां से आप मान लीजिए इंस्टीट्यूट से आप घर तक गए, अपने घर तक गए, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपके माइंड में आइडिया आएगा कि आप कैसे जाएंगे, तो वो क्या आ गया? थ्योरेटिकल। और फिर आप जब एक्चुअली जाएंगे बाय बाइसिकल, बाय कार, बाय वॉकिंग, जैसे मर्जी, तो वो क्या आ जाएगा? प्रैक्टिकल। तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारे को थ्योरेटिकल मीनिंग बताते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमारे को प्रैक्टिकल मीनिंग बताते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल लेके मैं ज़्यादा और ज़्यादा क्लैरिटी लेके आऊँगा। लेट अस सपोज बड़े होके आप एक साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है, और कोई भी एक रिएक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं ताकि ताकि आप प्रोडक्ट्स को मार्केट में लार्ज लेवल पे करेंगे, ताकि प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में सेल करें और प्रॉफिट अर्न करें, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ए और बी लार्ज लेवल पे रिएक्टेंट्स बाय अप करेंगे मार्केट से। उसके बाद क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप करेंगे, एक बड़ी इंडस्ट्री भी हायर करेंगे और कुछ एम्प्लॉयज़ भी रखेंगे जो परफॉर्म करें। लार्ज लेवल पे अगर आपको करना है तो क्या करना होगा? ये सब कुछ करना होगा और अल्टीमेटली आप स्टार्ट कर देंगे रिएक्शन को करना। तो होगा क्या? आपका थोड़ा टाइम बीता, वन डे बीता, फाइव डेज बीते, रिएक्शन ही नहीं हो पा रही। वन मंथ हो गया, टू मंथ्स हो गए, थ्री मंथ्स हो गए, रिएक्शन ही नहीं परफॉर्म हो पा रही। तो क्या गलती कर रहे हैं आप? सोचिए, क्या गलती करी आपने? आपने गलती ये करी कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री की हेल्प नहीं ली, ठीक है ना? फिजिकल केमिस्ट्री की हेल्प नहीं ली आपने। कैसे? देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री अब मैं बताने जा रहा हूं कि हमें क्या बताता है। देखिए, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री हमें बताते हैं वेदर, द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। सेकेंड हमारे को बताते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन। थर्ड बच्चे हमारे को फिजिकल केमिस्ट्री बताते हैं, जैसे फर्स्ट है वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट, सेकंड इज टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन, कितने टाइम में रिएक्शन होगी वो भी पता होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे, ये तीन चीजें हमारे को फिजिकल केमिस्ट्री पहले ही बता देते हैं थ्योरेटिकली। मीन्स कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करने से पहले आपको पता होना चाहिए वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट, मतलब कोई रिएक्शन हो भी सकती है कि नहीं। अगर आपको पहले ही पता होता कि आपकी ये रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं, तो आप इतना कुछ बाय करते, इतना कुछ सेटअप करते, इतना कुछ इंस्ट्रूमेंटल सेटअप करते या इंडस्ट्रियल सेटअप करते या हायर करते, इतना कुछ एम्प्लॉयज़ को भी हायर करते, नहीं करते। तो अगर आपको पहले ही पता लग जाए कि ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है थ्योरेटिकली, तो आप इतना कुछ स्पेंड नहीं करेंगे, तो आपका मनी सेव हो जाएगा। तो वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरेटिकली पहले ही क्लैरिटी में पता लग जाता है। नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए कोई रिएक्शन 5 आवर्स में होनी है, ठीक है, आप 2 आवर्स के बाद फ्रस्ट्रेट होने लग गए कि रिएक्शन ही नहीं परफॉर्म हो रही, 2.5 आवर हुए, 3 आवर हुए, 3.5 आवर हुए, आपने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। बट आप भी समझ सकते हैं कि रिएक्शन कब होनी थी, 5 आवर्स के बाद,
तो आपने 3.5 आवर के बाद रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। तो आपको अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड पहले से ही पता होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन भी फिजिकल केमिस्ट्री थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट पहले से ही कर लेते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड क्या है रिएक्शन की, इससे भी हमें बहुत कुछ पता लगता है। तो वेदर इट इज़ वेरी फास्ट, फास्ट, स्लो और वेरी स्लो, और एट मॉडरेट स्पीड, तो ये भी हमें जानना किसी भी रिएक्शन के बारे में बहुत ज़रूरी है पहले से ही। तो प्लस वन में आप वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट पहले से ही समझ लेंगे। प्लस वन में अंडर द चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्मोडाइनमिक्स आप ये चैप्टर्स में क्लैरिटी से समझ लेंगे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है कि नहीं हो सकती। टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ रिएक्शन आप प्लस टू में सीखेंगे अंडर द चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, अंडर द चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक। तो इस तरह फिजिकल केमिस्ट्री हमारे को बहुत ही इम्पॉर्टेंटली रिएक्शन में परफॉर्म करने वक्त रोल प्ले कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, देखिए आप सब जानते हैं अर्लियर टाइम में, ठीक है, जब साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेटेस्ट ब्रांच है, तो पहले तो ये फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही थी, लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलपमेंट में आई तो साइंटिस्ट ने देखा कार्बन कार्बन के साथ ही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी शो करता है, और सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन शो करता है। तो ऑब्वियस है कार्बन कार्बन के साथ लिंक बनाने की टेंडेंसी, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा, फर्दर चेन बनती जाएगी, साइड चेन्स भी पॉसिबल होंगी, तो इस तरह कई सारे कंपाउंड्स डिवेलप होने लग गए कार्बन के कई सारे कंपाउंड्स डिवेलप होने लग गए, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और ब्रांचेस भी डिवेलप होने लग गई, जैसे कि 2-methyl butane। तो ये ब्रांचेस जब डिवेलप होने लग गई, बहुत सारे कंपाउंड्स डिवेलप होने लग गए, तो साइंटिस्ट ने कहा कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन इन्वॉल्व है उसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक, सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली जब हम सेपरेटली स्टडी करें एक्सेप्ट फॉर कार्बन, वी कैन से दैट इट कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एलिमेंट आ जाएगा, कार्बन के साथ कोई भी अटैच हो, लेकिन पूरे कंपाउंड में कार्बन होना जरूरी है। तो ये थी एक इंट्रोडक्शन जिसमें हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो उनकी ब्रांचेज है उनके बारे में समझा। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री।